नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24। जो तस्वीर आज आप देख पा रहे हैं, ये है बेरी विधानसभा अक्षेत्र के गांव दुलहेड़ा की, जहां पर अक्षेत्र का स्कूल MRN के विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण संदेश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण प्रदूषण से बचाया जाए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर इनकी सेवा की जाए। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव है बेरी, और लगातार अपने आप को एक अलग पहचान दिलाते हैं स्कूल किसी न किसी प्रकार से, या कोई एडवर्टाइजमेंट हो या कोई संदेश हो या कोई मैसेज हो जो समाज तक अच्छा जाए। आज उसी कड़ी में मेरे साथ है जो इस एरिया का एक स्वस्थ स्कूल माना जाता है, कि अपनी पढ़ाई को लेकर अनुशासन को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहता है MRN, जो कि 8th तक क्लासेज हैं। और छोटे बच्चों के लिए एक सर्वे भी हुआ था पत्रिका का, वो भी आपने पहले पता भी होकर बड़ी सुर्खियां इस स्कूल ने हासिल की थी उस समय कि छोटे बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं स्कूल की बेस्ट बताई गई थी। और इसी आज हमें भी एक मौका मिला कि रास्ते में जा रहे थे तो स्कूल की एक मैसेज है पोल्यूशन को लेकर, उसको मैं चर्चा करूंगा। स्कूल के शिक्षक मेरे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, आपका वेलकम है हमारे गाँव में पधारने पर, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में पधारने पर। जी, हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं हमारे पब्लिक स्कूल की तरफ से, ये हमारे बच्चे हैं। हम पर्यावरण के ऊपर अपना बातें उठा रहे हैं कि वही पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ। अभी कोरोना की महामारी चल रही थी पीछे और अब दोबारा दस्तक दे चुकी है, इसलिए हम लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ। और ऐसे हमें MRN स्कूल के बच्चों को ये बोला है और सभी बच्चों को ये बोलते हैं, जितने भी समाज के बच्चे हैं, सभी स्कूलों के बच्चे हैं, उनको ये बोलते हैं कि आप पेड़ पौधे ज्यादा लगाओगे तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। एक बड़ा पेड़ काटने में हमारे को कितना नुकसान होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन संपूर्ण करता है, संपूर्ण देता है, और छोटा पौधा उसकी परवरिश करने में काफी टाइम लगता है। तो इसलिए हम बोलते हैं नए पौधे भी लगाओ और पुराने पौधों को मत काटो। और हमें अपने स्कूल के बच्चों को यही बोला है कि अपने बर्थडे पर, जब भी आपका बर्थडे होता है, ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च करने के बजाय आप पौधा लगाओ। ऐसे हमारे टीचर्स करते हैं, ऐसे हमारे बच्चे करते हैं। जी सर्दी आ गई है, छोटे बच्चे आपके पास ज्यादा अहमियत रखते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं 7th 8th, उनके लिए क्या मैसेज है कि सर्दी के टाइम में किस तरह से पढ़ें और अपने सिलेबस को कवर करें? देखो सर, हम छोटे बच्चे हमारे वो अभी स्कूल के अंदर है, हम 6th क्लास से लेके हम 8th क्लास तक के बच्चों को यहाँ लेके आए हैं, और हम यही मैसेज देते हैं कि सर्दी के अंदर अपना टाइम निकाल के बच्चे अपने शरीर को बचाव करते हुए पढ़ाई पे ध्यान दे, एग्जाम पे ध्यान दे, और समाज के अंदर एक नई प्रेरणा डाले कि ताकि लोग उत्सुक हो जाए और उजागर हो और उस चीज को बढ़ाने में कामयाब हो। टीचर भी साथ साथ है, उनसे भी बातचीत। हाँ, ये हमारे मैम है। कैसा क्या लगा गांव में आज आए हैं बच्चों के साथ? सर, गांव का माहौल तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, खुला वातावरण होता है, बच्चों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है कि किस तरह से गांव का एक खुला वातावरण होता है, गांव की जो हवा होती है वो शुद्ध होती है। हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं, मोस्टली बच्चे गाँव से ही है तो उनको ज्यादा नॉलेज है, हम लोग तो शहर से आते हैं तो हमारे लिए कुछ नया है ये। तो गाँव का जो माहौल होता है, आसपास का वातावरण हम देख रहे हैं, चारों ओर पेड़ ही पेड़ है, और ऊपर से हमारी रैली भी यही है, पेड़ बचाओ, अपनी धरती को बचाओ, पेड़ लगाओ। ऊपर से हम स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान दे रहे हैं, सर्दियों का मौसम है, कोरोना फिर से वापस से आ रहा है, तो जितना ज्यादा हम पर्यावरण से टच में रहेंगे, नेचर के टच में रहेंगे, प्रकृति के टच में रहेंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे और जिंदा भी रहेंगे। एक बार जो स्टूडेंट हैं पूरी से रैली को लीड कर रही हैं, क्या नाम है आपका? शिक्षिता। क्लास कौन सी आपकी? 6th। आज गाँव में आप पूरी टीम के साथ हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा स्कूल ये वातावरण के ऊपर जो रैली निकाल रहा है, मुझे इसको देखकर बहुत, क्योंकि इससे हमारी जो ये कोरोना की बीमारी दोबारा फैल रही है, अगर हम ये पेड़ पौधे लगाएंगे इससे हमारे वातावरण बहुत अच्छा रहेगा और ये कोरोना की बीमारी फैलने से भी बचेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी। और भी आप देख पा रहे हैं कि जो स्कूल का अनुशासन होता है वो ड्रेस लेवल से ही पता चल जाता है कहीं ना कहीं, और लगातार गांव में इस तरह से हर हफ्ते या मैं कहूँ महीने दो महीने के बाद एक ऐसा ही संदेश लेके स्कूल आता है, और आगे भी जो इनके कार्यक्रम होंगे वो भी हम आप तक एक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, और गाँव में जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, जो परिणाम होते हैं वो जाने के बाद मिलते हैं कि बच्चे आए थे, कि गाँव में इस तरह का संदेश दे के गए हैं, वो बच्चों को भी खुशी मिलती है, कि एक्टिव हो जाते हैं वो, कि घर जाते हैं बताते हैं कि आज उस गांव में गए, एक मोरल है वो अप होता है, और तमाम जो भी
सवाल जवाब होते हैं, ग्रामीण भी बताते हैं कि स्कूल को ये करना चाहिए, सर्दियों में वो करना चाहिए। इससे एक होता है कि स्कूल का भी नाम भी होता है और उसका जो बच्चों का मोरल है वो भी अप होता है। और तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहें मेरे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 बेरी।